हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आई है। देखो, आप लोगों ने खुले दिल से बहुत ओवरवेलमिंग मुझे जो है रिस्पांस दिया है, जिसके वजह से अब मैं चाह रहा हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ भी रिक्रूटमेंट कहीं भी आती है तो आपको जो है मैं साझा करूँ, आप तक वो वीडियो बनाऊँ। तो नीचे कॉमेंट करके ना प्यार से आप अपने जगह का नाम लिख दें ताकि मुझे भी पता चल सके आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। और नीचे आपको अपना सब्जेक्ट भी लिखना है। जैसे देखो, सपोज कर लेता हूं मैं कि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, मैंने जो है मैथ्स कर रखा है, तो मैं लिख दूंगा MATHS मैथ्स, और ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं देवघर। देवघर से ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं देवघर लिखूंगा। तो आप नीचे कमेंट करके जो है अपने जगह का नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर मेंशन करें, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हो कि आपके स्टेट से कौन कौन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट आई है, ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसकी आखिरी डेट 11 मार्च रखी गई है, यानी कि आप 11 मार्च तक अप्लाई कर सकती हो। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं PDF ही ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। अब ये देखो, यहाँ से जो है एक एक करके मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, अरेबिक सब्जेक्ट के लिए 2 रिक्रूटमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी 5 रिक्रूटमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस 4 रिक्रूटमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री 2 रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स 7 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से 3 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से 5 वैकेंसीज है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस से 5 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से भी 5 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह आगे बढ़े तो डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से 2 वैकेंसी है, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से 2 वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी से 3, और जो साइकोफिजियोलॉजी है इससे भी 3 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मलयालम के लिए 3 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी मैथमेटिक्स की है, फिर 3 वैकेंसी फिजिक्स की, और 3 2 वैकेंसी जो है केमिस्ट्री की आपको देखने को मिल जाएगा। नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी आई हुई है। फिलोसफी के लिए 2, एक वैकेंसी है जो है फोटोनिक्स की है, और 4 वैकेंसी आपको फिजिक्स की देखने को मिलेगी। आगे देख लेते हैं। देखो, ये फिजिक्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से आई हुई है। आगे देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से 5, साइकोलॉजी से 1, रशियन से 1, कंपेरेटिव जो लिटरेचर है उससे 1, 2 वैकेंसी संस्कृत की है, म्यूजिक वोकल के लिए 2 वैकेंसी है, ड्रामा के लिए 3 वैकेंसी है। आगे देखो, फोकलोर के लिए 2 वैकेंसी है, स्टैटिक्स के लिए 4, 3 वैकेंसी उर्दू के लिए, और वुमेन्स स्टडीज के लिए 3, और जूलॉजी के लिए 3 वैकेंसी आई है। 28 अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है, और आप कंसर्निंग सब्जेक्ट आपका जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब आगे देखिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। तो यहाँ से देख लो, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर विल बी एज पर द UGC रेगुलेशन 2018 फॉलो। UGC के रेगुलेशन 2018 के रूल को ये फॉलो करेगा। मास्टर डिग्री 55% के साथ अगर आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोला गया है, UGC या फिर SCR जो भी टेस्ट आपने क्वालिफाई कर रखा है, SLET या फिर SET, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। PhD डिग्री वाले भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्या है, द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन अ रेगुलर मोड। रेगुलर मोड से जिन्होंने PhD करा है वो अप्लाई कर सकते हैं। PhD थेसिस हैज बीन इवॉल्व बाय द 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो अप्लाई कर सकते हैं। PhD के लिए बारे में यहाँ पे देखिए स्पेशली बताया गया है कि क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ से देख लो, बताया गया है नेट वगैरह जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए तो ये केक वॉक है, वो आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, सैलरी आपको जो है 42,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा, 42,000 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस वगैरह के लिए अलग से जो है डिटेल्स वगैरह दे रखी है। अब आगे देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए देखिए www.uoc.ac.in पे जाना, ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से देख लो, मैं फिर से लिख देता हूँ, OU मैं जो है बोल्ड में लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, .ac.in पर जाकर आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई नाउ के जगह पे वहां पे जो आपको मिल जाएगा, ये PDF मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। बाय द वे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इस PDF को देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर देख लीजिए, खुद से वेरीफाई चीजों को करें तभी आप अप्लाई करें। और मैं बार बार कहता हूं, खुद से वेरीफिकेशन करना ही बेटर होता है। अब देखिए रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट से ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं एज ऑफ नाउ, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें कहीं से जॉब मिल जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, यू मस्ट अप्लाई। और कोई भी अगर आपका डाउट हो, कंसर्निंग डाउट हो, तो आप जो है नीचे कमेंट करके जो है पूछ सकते हो मुझे कि ये क्या क्या हुआ, ये कैसे होगा, जो भी आपका एनीथिंग एनी डाउट आप जो है नीचे कमेंट करके आप मुझसे
पूछ सकते हो। इस तरह की कोई भी परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट करके इस मुझसे जो है पूछ सकते हो, ताकि आपका जो है कोई भी समस्या हो उसका समाधान हो सके। ठीक है, वीडियो आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएं, ताकि वो भी जो है आपके साथ एग्जाम देने के लिए जा सकें, उन तक भी सही और जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।